जिला परिषद काडर के कर्मचारियों व अधिकारियों की हड़ताल पांचवे दिन भी बीडीओ कार्यालय में जारी रही। इस दौरान उन्होंने सरकार से उन्हें ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग में समायोजित करने की भी मांग की। वहीं आज कर्मचारियों से मिलने कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में आते ही उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करेगी। कांग्रेस के मुख्य वरिष्ठ प्रवक्ता रमेश चौहान ने कहा कि लगातार प्रदेश की जयराम सरकार प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कर्मचारियों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2022 में चुनाव जीतकर जैसे ही सत्ता में आएगी वैसे ही इनकी आवाज को बुलंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो नोटिस देकर सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी बता रही है, वहीं दूसरी ओर इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने से पीछे हट रही है। देखिए, मैं जहां हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, उसके अलावा मैंने अपना कैरियर जो है वो पंचायती राज का एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते स्टार्ट किया है। 1989-90 में मैं पंचायत समिति का पहली बार चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत के आया था पंचायत समिति में। उसके बाद मैं लगातार अलग अलग पोजीशन पे पंचायत का प्रधान रहा, पंचायत समिति का दोबारा सदस्य बना, पंचायत समिति का चेयरमैन बना। ये दोनों चीज़ों को अगर मैं क्लब कर लूँ, उस हिसाब से अगर मैं आपसे बात कहूँ तो आज हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो जो जिला परिषद के जो कैडर के जो कर्मचारी हैं, जिसमें सेक्रेटरीज हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, जेईज हैं, एक्सीएन हैं, एसडीओज हैं, इनके साथ अन्याय है। पहली बात तो ये है कि इनका जो सिक्स पे कमीशन, जिस बात को लेकर के आज ये एम्प्लॉयज हमारे एकत्र हुए हैं, यूनाइटेड हुए हैं, इनको जो है वो उसको देने से मना कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से ये जानना चाहता हूँ, सिक्स पे कमीशन के लिए तो मना कर दिया देने के लिए, जो जब फिफ्थ पे कमीशन था क्या उस वक्त ये लोग थे नहीं? उस वक्त तो आपने इनको पेमेंट दी, उस वक्त तो इनको फिफ्थ पे कमीशन जो है लागू हुआ और इनको जो है वो फिफ्थ पे कमीशन के हिसाब से इनको तनख्वाह, इनको जो है सैलरी मिली। कि आप इनको डराने और धमकाने के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज का 1964-65 के एक्ट के तहत इनको आप नोटिस दे रहे हैं, आपको कहते हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप जो हैं वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, आप नोटिस तो दो इनको एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और फिर आप इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना मारे तब बोलते हैं आप ये कि ये जिला परिषद कैडर के लोग हैं। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस आज आश्वस्त करती है जिला परिषद के जो हमारे कैडर के लोग हैं, जो जिला परिषद के जो एम्प्लॉई हैं, कि जब भी 2022 में जैसे हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा जो सामने नजर आ रहा है और कांग्रेस की सरकार यहां पे बनेगी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बनेंगे, और हम इनकी हर एक मांगों को, जिसमें इनका विभाग में मर्जर, इनको इनकी जो पे की जो इनॉमलीजी जो चल रही है, जो इनमें बाधाएं त्रुटियां हैं, उसको दूर करके इनको जो है सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा।